अस्सलाम वालेकुम और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, बाद रखे, हंसता साता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। अल्लाह पाक हर एक दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग मुझे कहते हैं कि अभी मेरे लिए दुआ करना, तो इंशाल्लाह मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करो, दूर फरमाए। अल्लाह पाक उनको खुश रखे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक माँ बाप को कुछ ना करे, माँ बाप के बच्चों को कुछ ना करे। अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, आमीन आमीन रब्बिल आलमीन। तो सभी फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चपली, बीफ चपली को आपकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली। बहुत ही मजे के और आसान रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना करना पड़ेगा। आसान तरीके से आपको बताऊंगी, आपको इजी समझ लग जाएगी कि आपने बीफ चपली कबाब कैसे बनाने हैं, बहुत मजे के। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि तमाम जो रेसिपी की वीडियो आपके पास आती रहे। तो जी फ्रेंड्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। और मेरी जो मुझे इतने इतने प्यारे रेसिपी के मेरी फैमिली मुझे कमेंट करती हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो आपने कोई रेसिपी पूछनी हो तो इंशाल्लाह मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़बरदस्त एक मुझे कमेंट आया था अभी जो ना कीमे के, आपने ना वो परांठे बनाने की रेसिपी बतानी है, तो इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द आपके साथ कीमे की रेसिपी मैं परांठे की शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपी होगी। तो यहाँ पे जी मेरे पास हैं मसाले हैं जो मैंने रेडी किए हुए हैं, यहाँ पे जो रखे हुए हैं अपना ज़बरदस्त सेटिंग करके। तो मैं बताती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो मैंने डालनी है अपना सेटिंग करनी है, चीज़ें हैं इधर पड़ी मेरे पास। यहाँ पे है मेरे पास 1 किलो बीफ है, बीफ का मैंने कीमा कर लिया हुआ है। ये मशीन वाला है, ये हाथ वाला नहीं है, मोटा नहीं है, थोड़ा सा बारीक है। और यहाँ पर है मेरे पास नमक, लाल मिर्च, हल्दी कूटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ी सी काले मिर्च, और ज़ीरा पिसा हुआ, और यहाँ पे है ज़ीरा, अजवाइन, और जो है सूखा धनिया पिसा हुआ, और यहाँ पे है सूखा धनिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दादा दादा सा इसमें कूटूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्च है, और पुदीना, और हरी मिर्च धनिया, इसको मैं कुटिंग इसे ऐसे करूँगी अच्छे से, इसको पीस लेती हूँ। इसकी मैंने बनानी है चटनी, जो चपली के कबाब के साथ बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे है पुदीना और हरी मिर्च और धनिया, ये भी इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पे है मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, यहाँ पे टमाटर का पेस्ट, यहाँ पे है 3 से 4 अदद छोटे छोटे प्याज, इसको मैंने ना चॉप कर लिया है। ऐसे देखें कितना अच्छा सा नरम सा हो गया, क्योंकि मेरी जो ना इसमें मेरी ब्लेंड मशीन थी वो है थी, 2 मशीनें हैं और दोनों ख़राब हो गई थी। मैंने ना इसको चट्टू बट्टे में इसका मैंने अच्छे से ना इसको मैंने पीस पूस लिया। यहाँ पे 2 अंडे हैं, हम देखेंगे कितने डलते हैं आपके सामने डालेंगे। यहाँ पे है बेसन हसबे ज़रूरत। तो यहाँ पे जी मेरी सारी चीज़ें देखिए रेडी हो गई हैं मैंने आपके साथ। और यहाँ पर जी हम इसको अच्छे से पहले पीस लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। तो जी फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, तो इसका हम रायता बनाएंगे, चटनी बनाएंगे बड़ी ज़बरदस्त। इसको मैंने अच्छे से ना कूट लिया, पीस लिया, देखिए। तो जी फिर हम यहाँ पे ना चपली कबाब की रेसिपी करते हैं तैयार। यहाँ पे है सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने अच्छे से कूट काट लिया है। ठीक है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं और इसको हम तैयार करते हैं। ये मसाला ना इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। सूखा धनिया और ज़ीरा दोनों को मैंने अच्छे से कूट लिया है, दादर सर्द से कर लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये इसके अंदर ये चला गया, अब इसके अंदर जाके जो बना मसाले हैं ना, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च, यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, प्याज सब कुछ डाल लिया है। और यहाँ पर है पुदीना, धनिया और नमक डाला इसके अंदर मैंने, चटनी जो मैंने कूटी थी उसके अंदर डाल दिया मैंने। ये इसका रायता बन गया, और यहाँ पे सूखा धनिया, ये हरा धनिया, ये भी इसके अंदर जाएगा। सारे मसाले हमने इकट्ठे डाल लेने हैं। तो इसके अंदर जाएगा बेसन 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 और 4 चम्मच, 4 चम्मच हमने भर के डालने हैं। तो इसमें साथ जाएगा 1 अंडा, ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल है, थोड़ा सा ऑयल भी साथ डालेंगे। तो फिर अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ठीक है, तो जी सर यहाँ पे ये मैंने चटनी सी रायता बना दिया है,
चटनी कबाब के साथ इसका खाने का बहुत मज़ा आता है। और साथ में केचप भी है, अपनी मर्जी है, जो जो खाना है जिसके साथ खानी है आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मटेरियल को। कसम से माशाल्लाह से खुशबू आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के। यहाँ पे हमारे चपली कबाब रेडी होंगे। आप कहेंगे कि वाकई आप ही ने ना मेरी रेसिपी अच्छी बताई है और बहुत ही आसान है, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे आपने कमेंट्स में बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखें कितना अच्छा सा मिक्स हो रहा है, सारा मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अजीब सा यहाँ पर हम चपली कबाब करते हैं स्टार्ट। ये नॉनस्टिक फ्राईपैन है, इसके अंदर मैंने डाली है ऑयल। बाकी यहाँ पे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ऑयल हो रहा है गर्म, तो यहाँ पे हम अपने चपली कबाब बनाते हैं। ये देखिए जी हमारी ना अच्छे से चपली कबाब बनेगा अगर हम इसके अंदर डालेंगे ना थोड़ा सा प्याज ज़्यादा, तो फिर हमारी जो चपली की ना ये हमारी जो टिक्की है ये अच्छे से नहीं बनेगी, टूट जाएगी। अभी ये देखें कितने अच्छे से बन रहा है, हम इतने चाहे बड़े बना सकते हैं। इसी तरह हम बनाएंगे और ये देखिए कितने अच्छे और ज़बरदस्त लग रहे हैं, खुशबू भी आ रही है बहुत मज़े की। तो इसी तरह मैं बनाऊँगी। हमारा जो ऑयल है ना वो हो गया गरम, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, अपने चपली कबाब इस तरह डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह डालेंगे सारे बना के। तो माशाल्लाह से आपने ज़रूर बताना है तो ये मैंने आपको चपली कबाब मैंने आपको रेसिपी बताई है कैसी बताई है। तो यहाँ पर डालें ऊपर जो साथ अपनी मर्जी है, जितने मर्जी बड़े कर लें। तो यहाँ पर मैं ये भी डालने वाली हूँ। अच्छे लग रहे हैं जी। भाई मेरे पास अभी यही चिमटा है, वैसे मुझे कमेंट करना कि मेरे पास ना दूसरा लकड़ी का है वो सही नहीं है, तो ये इसे मैं जो नॉन स्टिक भेज बने ना इसी से बल डालती हूँ इस तरह से, इसको भी इस तरह से बल डाल देती हूँ आराम से। अभी इसको अभी जगह है और यहाँ पे हम वो रखते हैं इस साइड पर। तो जी फ्रेंड यहाँ पे हमारे चपली कबाब हो गया है रेडी, इसको निकालते हैं। और ये देखिए जी इसकी लुक कितनी मज़े की यमी बन रही है, इसको भी निकालते हैं। ये देखिए लुक देखें, साथ में जी रायता भी है, बच्चे साथ में केचप वगैरह लेंगे, साथ में रोटी बन गई है। तो ये रेसिपी है जी मैंने आपके साथ शेयर की है चपली कबाब की। तो इसी तरह जो मेरे पास चपली कबाब का जो मटीरियल पड़ा हुआ कीमा, तो इस पर फिर इसके साथ हम और बनाएंगे और बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त पस्ता और यमी यमी। ये देखिए टेस्ट करके बताती हूँ कितने अच्छे मज़े के, कमाल की कसम से कमाल लग रहा है, कितना ज़बरदस्त बने हैं और इसका टेस्ट भी बहुत आला, बहुत बहुत मज़े के। जी फ्रेंड यहाँ पे हमारे चपली कबाब रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे माशाल्लाह रोटी बन रही है और इतनी अच्छी मज़े की बच्चों ने पसंद की है, बच्चे रूम में खा रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि तमाम जो रेसिपी की वीडियो आपके पास आती रहे। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। ओके फ्रेंड अल्लाह हाफिज़ बाय।